भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में होगी शुरू। चार दिवसीय बैठक की भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे अध्यक्षता। यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए मतदान जारी। 1349 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। बुधवार को होगी मतगणना। गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर कल होगा मतदान। 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 2,51,58,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। नतीजे 8 दिसंबर को होंगे घोषित। इक्यावनवा नौसेना दिवस आज। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, CDS जनरल अनिल चौहान, एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में करेंगे शिरकत। मीरपुर में आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा पहला वनडे मैच। चोट के कारण तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज से हुए बाहर। उनकी जगह उमरान मलिक को भारतीय टीम में किया गया शामिल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, जबकि नीदरलैंड ने अमेरिका को 3-1 से किया पराजित। आज होने वाले मुकाबलों में फ्रांस की पोलैंड से होगी भिड़ंत, तो वहीं एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड और सेनेगल होंगे आमने सामने। नमस्कार, DD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगी। चार दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। इसमें यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 शेरपा बैठक झीलों के शहर उदयपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने में भी मदद करेगी। भारत ने इस महीने की 1 तारीख को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। मेजबान राष्ट्र के रूप में ये नई दिल्ली में होने वाली अगले साल की शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगी। G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चलेगा। नगर निगम चुनावों की मतगणना बुधवार को होगी। 250 वार्डों में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। MCD चुनाव के लिए 709 महिला और 640 पुरुष उम्मीदवारों सहित कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा और आप दोनों ने 250 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस केवल 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसके 3 नामांकन रद्द हुए हैं। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1,46,00,000 से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने 13,665 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 3,360 संवेदनशील हैं, 68 मॉडल और 68 पिंक पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। MCD चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। गिरीश, अब लगभग 2 घंटे अब बीत चुके हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताऊंगा, आज जो है दिल्ली के मतदाता काफी उत्साहित हैं। मौसम सर्द जरूर है, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है।
सुबह 8 बजे से ही मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के 13,665 मतदान केंद्रों पर सुबह से वोटिंग हो रही है। जो दिल्ली के 1,46,00,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं, वो आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने अभियान चलाए हुए थे मतदाता जागरूकता अभियान, उसके तहत लगातार लोगों से अपील की गई कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। सुबह के करीब 10 से ज्यादा का समय हो चुका है और वोटिंग होते होते भी करीब 2 घंटे का समय हो चुका है। लगातार जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो दिव्यांग मतदाता हों, चाहे बुजुर्ग मतदाता हों, चाहे महिला मतदाता हों, और तमाम जो मतदाता हैं वो यहां पर अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आरके से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो मतदाता हैं वो पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 40,000 से ज्यादा जवान जो हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के होमगार्ड के जवानों को इसमें बुलाया गया है। खासतौर पर वीडियोग्राफी की जा रही है पूरे इलेक्शन के अंदर। इसके अलावा 1,349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इन 250 सीटों पर, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का ये एक नगर निगम के लिए ये इस बार चुनाव हो रहा है। इससे पहले मई से पहले की अगर बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम में 3 निगम हुआ करते थे, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, और 272 वार्ड हुआ करते थे पूरी दिल्ली के अंदर। लेकिन चंद्रशेखर, अब 250 वार्डों के लिए और एक दिल्ली नगर निगम के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि उनके पक्ष में वोट हो, इसके लिए लगातार पिछले दिनों काफी प्रचार प्रसार भी रहा। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने जनसभाएं की, प्रचार किया, तमाम जो है लोगों के बीच में पहुंचे। लेकिन दिल्ली की जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपेगी, ये तो ईवीएम में बंद हो रहा है और आगामी 7 दिसंबर को ये तय होगा कि दिल्ली के अंदर जो मतदाता हैं उन्होंने किसे अपना नेतृत्व सौंपा है। लेकिन इस समय जो है पूरी तरह से माहौल एक अलग है, हल्की हल्की गुनगुनी धूप निकल रही है और इस गुनगुनी धूप के अंदर जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। करीब 1,00,000 से ज्यादा जो कर्मी हैं उनको ड्यूटी पर लगाया गया है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो सके उसके लिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान, मैंने पहले ही बताया कि 40,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जवानों को यहां पर बुलाया गया है। कई अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहां पर मौजूद हैं। तो पूरी दिल्ली के अंदर आज एक अलग माहौल है, क्योंकि इसको जो चुनाव है उसको लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है और इस लोकतंत्र के पर्व में मानो हर कोई अपना भागीदारी निभाना चाहता है। ठीक है गिरीश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी ठीक है, ठीक है। गिरीश, हम ये जानना चाहेंगे कि कई मतदाताओं से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं मतदाता? देखिए, आज मेरी काफी मतदाताओं से बातचीत हुई है सुबह से ही, तो काफी जो युवा मतदाता थे जिन्हों को पहली बार मौका मिला मतदान करने का, वो अपना जो है ये कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहते थे। उनको बेसब्री से इंतजार था कि वो कब पहली बार मतदाता बनेंगे, उनको मौका मिलेगा वोट डालने का, लोकतंत्र के में अपनी भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा। तो उसको लेकर जो पहली बार जो मतदाता थे वो काफी उत्साहित दिखाई दिए। इसके अलावा बुजुर्ग और महिलाएं भी काफी संख्या में मतदान करने पहुंची, वो भी काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा नेतृत्व चुनना है, हमें अच्छा नेता चुनना है, तो उसके लिए हमें वोट डालना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। तो इसके लिए लगातार जो है जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग करते नजर आ रहे हैं और मतदाताओं में पूरा उत्साह का माहौल इस समय देखा जा सकता है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत गिरीश इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अब दर्शकों को हम अपनी अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 69 महिलाएं भी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में कुल मतदाता 2,51,58,730 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,29,26,501 हैं, महिला मतदाता 1,22,31,335 हैं और अन्य मतदाता 894 हैं। मतदान के लिए 26,409 मतदान केंद्र बने हैं।
मतदान कर्मचारियों की संख्या 1,13,325 है। इस चरण में अहमदाबाद, बड़ोदरा, मेहसाणा, गांधीनगर और पाटन जैसे प्रमुख जिलों में भी मतदान होना है। इस चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के सात मंत्रियों और भाजपा के हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इनके अलावा कांग्रेस के सुखराम राठवा और जिग्नेश मेवाणी और आम आदमी पार्टी के भरत सिंह बाखला और भीमा भाई चौधरी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयवाड़ा में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगी। शाम को राष्ट्रपति का विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस पर आयोजित नौसेना के प्रदर्शन को देखने का कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कई परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में छात्रों, संकाय सदस्यों और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं से मुलाकात भी करेंगे। आज 51वां नौसेना दिवस है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को करारी मात दी थी। इस बार नौसेना दिवस विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि नौसेना की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्रीय सीमाओं की प्रहरी है। हम भारत के राष्ट्रीय हितों की प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए हर जगह और हर समय तैयार हैं। एक युद्ध तत्पर नौसेना होने के साथ साथ नौसेना राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक एस्पिरेशनल राष्ट्र के रूप में हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी खुशहाली और विकास का समुद्र से गहरा संबंध है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में हमारी सभी गतिविधियों के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि नौसेना कर्मियों की कर्तव्य परायणता से ही हमने ये मुकाम हासिल किया है। भारतीय नौसेना के पुरुष और महिला कर्मी हमारे सबसे अमूल्य संपदा है। आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो इनके सहयोग और हार्डवर्क के बिना संभव नहीं होगा, जिन्होंने सभी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा रेसिलियंस और रिजॉल्व के साथ अपनी ड्यूटीज निभाई हैं। नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना का अभिनंदन करते हुए एक वीडियो साझा किया है। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy, funding that catalyzes, funding that inspires, funding that transforms for sustainability and reliability, for investment and development, adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
आइए चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं? और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए स्टार्टअप चैंपियनशिप .o DD नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे, खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी। नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने पश्चिमी सहयोगियों द्वारा रूसी तेल की कीमत पर लगाए गए प्राइस कैप से असहमत हैं। यूक्रेन के समर्थन वाले 7 पश्चिमी देश और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाने का निर्णय लिया है। इस प्राइस कैप की आलोचना करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि ये एक कमजोर, गैर गंभीर निर्णय है जो रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राइस कैप का उद्देश्य वैश्विक कीमतों में वृद्धि को रोकते हुए रूस की तेल बेचने से मिलने वाली आय को कम करना है। जेलेंस्की के प्रशासन के प्रमुख एंड्री यर्मक ने पहले कहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था को तेजी से नष्ट करने के लिए रूसी तेल पर प्राइस कैप को $30 पर सेट किया जाना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में कल नीदरलैंड ने अमेरिका को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। नीदरलैंड के लिए मेम्फिस डिपाई ने 10वें, डेली ब्लाइंड ने 46वें और डेंजेल डम्फ्रीज ने 81वें मिनट में स्कोर किया। जीत के हीरो डेंजेल डम्फ्रीज रहे, उन्होंने मैच में 1 गोल और 2 असिस्ट किए। अमेरिका के लिए मैच का इकलौता गोल 76वें मिनट में हाजी राइट ने किया। इस जीत के बाद अब क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड का सामना अर्जेंटीना से होगा। ये मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और कप्तान लियोनल मेसी के लिए और UI स्टार जूलियन अल्वारेज ने गोल किया। मेसी ने मैच का पहला गोल 35वें मिनट में किया, फिर जूलियन अल्वारेज ने मैच के 57वें मिनट में गोल दागा। मैच के दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया की किस्मत खुलती हुई नजर आई, जब 77वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी क्रेग गुडविन ने शॉट मारा तो गेंद अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस से टकराई और गोल पोस्ट में चली गई। इस तरह फर्नांडिस ने आत्मघाती गोल कर लिया। इसके बाद इंजरी टाइम के अंत में ऑस्ट्रेलिया को एक मौका मिला, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर एमी मार्टिनेज ने उसे रोक दिया और टीम को जीत दिलाई। अब अर्जेंटीना का सामना क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड से 10 दिसंबर को होगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर।
पाचक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बाघों के समान। जिस प्रकार देवी काली ने चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारी प्रफुल्ल देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी। इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी, देवी चौधरानी। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं, जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आप मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दो स्टार्टअप चैंपियन से, ये हैं ऑडियोनिरैप और आर्बोरियल। पेपर से कोई भी ऐसा पदार्थ खाने में नहीं जाएगा जैसे एल्युमिनियम फाइल से जा सकता है। हमारा जो मकसद है वो है चीनी को हमारे खाने से कम करना जी, और उसका जो जरिया है वो है स्टीविया। सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली 30,000 से ज्यादा फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्टीविया का इस्तेमाल हो रहा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का आगाज आज होगा। सीरीज का पहला मैच ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम अपना पूरा जोर लगाना चाहेगी। सीरीज में पुराने खिलाड़ियों के साथ कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है, जिसमें रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी और शहबाज अहमद जैसे उम्दा खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीरीज में भारतीय टीम के पुराने खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गजों की इस सीरीज में वापसी हो रही है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज फ्रांस का सामना पोलैंड से होना है। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और सेनेगल के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला देर रात 12:30 बजे होगा। जो टीमें जीतेंगी वो क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात स्वराज की। आप इस धारावाहिक में देखते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का सामना किया था। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि देवी चौधरानी ने किस तरह से अंग्रेजों का सामना किया था। इनकी पूरी गाथा आपको देखने को मिलेगी स्वराज में। पाचक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बाघों के समान। जिस प्रकार देवी काली ने चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारी प्रफुल्ल देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी। इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी, देवी चौधरानी। तो देखना मत भूलिए स्वराज हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और रंगोली में आप देखेंगे सुपरस्टार्स धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के सुपरहिट सॉन्ग्स, और साथ ही इनके साथ जुड़े हुए कुछ रोमांचक किस्से। धर्मेंद्र जी की सिग्नेचर डांस स्टाइल है किस सिंगर की देन? मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। और महज 13 साल की उम्र में शर्मिला टैगोर जी को क्यों छोड़ना पड़ा स्कूल? बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। लेजेंडरी एक्टर्स धर्मेंद्र जी और शर्मिला टैगोर जी की जिंदगी से जुड़े अनछुए पहलू जानने के लिए देखिए रंगोली। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे मेरी
है दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुम। तो देखना मत भूलिएगा रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और सुरो का एकलव्य में आप मिलने जा रहे हैं आज समीर अंजान से। जी हां, गीतकार समीर अंजान बढ़ाएंगे प्रतियोगियों का हौसला और साथ ही सिनेमा से जुड़े या फिर संगीत से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से भी आपको सुनने को मिलेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए समीर अंजान साहब। सुरो का एकलव्य नमन कर रहा है लेजेंडरी गीतकारों को। ये नगमे ना होते, ये तराने ना होते, हम नए ना होते अगर वो पुराने ना होते। मेरे मैं जो आज गीत गा रहा हूँ वो लिखा है गुलशन कुमार मेहता जी ने। इसके जो बोल है वो SH बिहारी जी ने लिखे हैं। ऐसे कंपोजर्स रहे हैं जिन्होंने नए सुर ईजाद किए इस इंडस्ट्री में। सबसे ऊंचा अगर किसी का नाम है तो फिर नैयर साहब का और SH बिहारी का। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल ए दिले बेकरार तू ही बता। तो ये थे मजरू साहब। बार बार देखो हर बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। लिरिक्स की दिशा में जिन्होंने एक नई रोशनी दिखाई उनको हम लोग फिर से याद कर रहे हैं। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। तो देखना मत भूलिएगा सुरो का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों और खास कार्यक्रमों का आनंद। फिलहाल हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। उत्तर भारत में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सुबह के वक्त कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है। कई जगहों पर विजिबिलिटी काफी कम है। शाम से भी मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। नमस्कार।